तो दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अब जमाना क्रिप्टो करेंसी का आ रहा है। यह एक डिजिटल करेंसी है। अभी तक सबसे ज़्यादा चर्चा में बिटकॉइन रही है। दोस्तों हमने बिटकॉइन के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, अगर उसे आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लें। पिछले कुछ वर्षों के दौरान बिटकॉइन की कीमत बहुत बढ़ रही है। इसमें बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में निवेश किया जा रहा है। वहीं हाल ही में एक और क्रिप्टो करेंसी डोजकॉइन की धूम मच रही है। पिछले कुछ दिनों में डोजकॉइन लगातार सुर्खियों में है और इसकी कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बता दें कि जब से दुनिया के सबसे अमीर शख्स और इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के फाउंडर व CEO एलॉन मस्क ने इसके बारे में ट्वीट किया, इसकी चर्चा ज़्यादा होने लगी है। एलॉन मस्क ने अपने ट्वीट में लिखा था, Who let the dodge out? बता दें कि एलॉन मस्क ने हफ्ते भर में दूसरी बार क्रिप्टो करेंसी के बारे में जिक्र किया है। अब कहा जा रहा है कि डोजकॉइन का मुकाबला बिटकॉइन से है और यह उसे पीछे छोड़ सकता है। दोस्तों माना जा रहा है कि दुनिया भर में करीब 128 अरब से ज्यादा डोजकॉइन सर्कुलेशन में है। इसे महज एक शुरुआत कहा जा रहा है। एलॉन मस्क के ट्वीट के बाद निवेशक अब डोजकॉइन में खासा दिलचस्पी ले रहे हैं। डोजकॉइन की शुरुआत दिसंबर 2013 में की गई थी। IBM के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिली मार्कस और एडोब इंजीनियर जैक्सन पाल्मर ने पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन के लिए इसे शुरू किया था। उन्होंने डोजकॉइन के लिए किसी फैंसी एम्ब्लेम को चुनने की जगह जापानी कुत्ते की एक ब्रीड शिबा इनू को चुना। यह पहले ऑनलाइन काफ़ी मशहूर हो चुका था। शुरुआती दौर में डोजकॉइन को बिटकॉइन और इथेरियम जैसी सफलता नहीं मिली। हालांकि लॉन्च किए जाने के 72 घंटे के भीतर इस क्रिप्टो करेंसी में 300% की उछाल देखने को मिली थी। बता दें कि लिटकॉइन और लकी कॉइन क्रिप्टो करेंसी में भी डोजकॉइन के पासवर्ड पर आधारित स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं बिटकॉइन में SHA-256 इंस्क्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों बता दूं कि एलॉन मस्क बिटकॉइन को भी बेहतर क्रिप्टो करेंसी मानते आए हैं। उन्होंने इसमें बड़े पैमाने पर निवेश भी किया है और इस क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट की मंजूरी भी दी है। एलॉन मस्क ने पिछले सप्ताह एक ट्वीट में लिखा था कि बिटकॉइन इज अ गुड थिंग। उन्होंने अपने ट्विटर बायो में भी बिटकॉइन को ऐड किया है। इसके बाद बिटकॉइन की कीमतों में काफ़ी उछाल आया था। एलॉन मस्क डोजकॉइन को भी प्रमोट करते हैं। दोस्तों किसी भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी की तरह डोजकॉइन को क्रिप्टो करेंसी वॉलेट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदा जा सकता है। डोजकॉइन के लिए डेडिकेटेड वैलेट भी है जिन्हें स्मार्टफोन के जरिए खरीदा जा सकता है। भारत में बायूकॉइन, बिटबिन्स या जेपे के जरिए डोजकॉइन खरीदा जा सकता है। इन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी की खरीदारी के पहले KYC प्रोसेस को पूरा करना होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं।